चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ीसा भेजा गया कंटेनर, शाम तक पहुंचेगा हरियाणा। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एयरलिफ्ट किया गया था टैंकर, उड़ीसा से स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन हुई रवाना। हरियाणा में आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। तो बड़ी खबर, जहां पर उड़ीसा से स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है, हरियाणा में आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ीसा भेजा गया कंटेनर, ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एयरलिफ्ट किया जा रहा है टैंकर, और वहीं उड़ीसा से स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है। तो हरियाणा में आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाएगा। इससे तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ीसा भेजा गया कंटेनर, शाम तक पहुंचेगा हरियाणा। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एयरलिफ्ट किया गया था टैंकर, उड़ीसा से स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन रवाना हुई है। हरियाणा में आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एयरलिफ्ट किया गया था टैंकर, तो हरियाणा में आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा ये टैंकर। तो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ीसा भेजा गया कंटेनर, शाम तक हरियाणा पहुंचेगा। उड़ीसा से स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन रवाना हुई है। हरियाणा में आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, अस्पताल में लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। ओपी शर्मा, जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रेन रवाना हुई है हरियाणा में, आपातकाल में ऑक्सीजन की कमी को इससे पूरा किया जाएगा, तो उड़ीसा से जो ट्रेन है ऑक्सीजन ट्रेन उसको रवाना कर दिया गया है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? देखिए नन्ना, अगर हम करीबन 4 से 5 दिन पहले की बात करें तो हरियाणा में करीबन 162 मेट्रिक टन क्यूबिक जो है ऑक्सीजन की जो वो अवेलेबिलिटी थी, लेकिन इसके बाद हरियाणा सरकार ने केंद्र को लेटर लिखा और डिमांड के हिसाब से करीबन 300 जो मेट्रिक टन क्यूबिक है उसकी जो उन्होंने मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें जो है 70% बढ़ोतरी करके 232 टन मीट्रिक क्यूबिक का जो हरियाणा का कोटा तय कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में हरियाणा की जो कंजप्शन है, जो खपत है, वो 300 मेट्रिक टन क्यूबिक की। ऐसे में जो 68% क्यूबिक टन जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो जो स्थानीय स्तर पर जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं उनसे वो पूरी की जा रही है। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार ने फिर एक आग्रह किया था, तो उसके बाद उड़ीसा से हमें जो ये 270 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी हुई है, और कल शाम को जो हैं दो जो टैंकर थे वो एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ से जो हैं वो उड़ीसा भेजे गए, वो वहाँ से एक ट्रेन जो है अब रवाना होगी, और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक या देर रात तक जो ऑक्सीजन की ट्रेन आ जाएगी। इसी तरह दो कंटेनर आज भी जो एयरलिफ्ट करके उड़ीसा भिजवाए जाएंगे, और उम्मीद की जाती है कि परसों शाम तक वो आ जाएंगे। और जैसे ये 70 मीट्रिक टन हमारे पास पूरी होती है तो हरियाणा लगभग एक एट पार कहें या थोड़ा सा ज़्यादा 10 से 15% सरप्लस की स्थिति में आ जाएगा। तो जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई है और दिल्ली के हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, उसके बाद से जो मरीजों का आना जो हरियाणा में शुरू है, उसके बाद से ऑक्सीजन की एक बड़ी जो है वो मांग बढ़ गई थी। लोगों को हरियाणा सरकार ने एक नया आदेश जारी
किया था कि अब अगर कोई घर में मरीज बीमार है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको उसका जो सिलेंडर है वो रिफिल नहीं किया जाएगा, अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स को ही पूरा किया जाएगा। मतलब किसी भी सिविल हॉस्पिटल से या किसी भी हॉस्पिटल से कोई डिमांड आती है तो ही उनका सिलेंडर जो है वो फिल किया जाएगा। यदि किसी आदमी को व्यक्तिगत तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और उसके बाद और डॉक्टर वहाँ देखेंगे, उसको लगता है डॉक्टर्स को लगता है कि इसको ऑक्सीजन देने की जरूरत है। तो मौजूदा स्थिति की बात करें हरियाणा में, अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें हरियाणा में तो अभी की क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर? देखिए अभी मैंने बताया ना कि 200 मैट्रिक टन तो हमें केंद्र से कोटा मिल रहा है और 68 मैट्रिक टन क्यूबिक जो हमारे स्थानीय स्तर पे हमें मिल रही है। जैसे हिसार के अंदर जिंदल स्ट्रिप्स है तो वो बना रही है, हिसार के अंदर एक गुप्ता ब्रदर्स कंपनी है वो भी करीबन 5 से 6 मैट्रिक टन हर रोज़ हमें अवेलेबल करा रही है। इसी तरीके से मानेसर में भी कुछ प्लांट्स हैं वहाँ से भी आ रही है, पानीपत के नेफ्था क्रैकर से तो 3 स्टेट्स को जा ही रहा है, हमें रुड़की से भी हरियाणा को जो है ऑक्सीजन मिल रहा है। तो कुल मिला के इस वक्त हमारे हम कह सकते हैं कि 275 मीट्रिक टन क्यूबिक से लेकर 300 मीट्रिक टन क्यूबिक तक की हरियाणा के पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, कल की बात करें तो करीबन 13,500 से ऊपर मामले आए थे और 95 मौतें हुई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस रफ्तार से कोरोना का जो आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार जो है एक रिजर्व के तौर पे वो कर रही है। जिस तरह अगर हमें परसों तक 70 मेट्रिक टन क्यूबिक उड़ीसा से ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो हरियाणा के अंदर करीबन एक हफ्ते तक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सफिशियंट है। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उस लिहाज से हम अगले 4-5 दिन तक जो है हम सरप्लस में रहेंगे, लेकिन तब तक हो सकता है और इंतजाम हो जाए। हरियाणा सरकार ने अभी यमुनानगर में 1 करोड़ रुपये की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट सिविल हॉस्पिटल में तैयार किया है, उसके नतीजों को एनालाइज किया जा रहा है। जैसे ही वो होता है तो मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ की ज्यादा लागत है और 22 जिलों में अगर एक एक प्लांट लगाना है। और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।